हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल पॉस 11। आज की वीडियो में बात करेंगे आईपीएल टी20 मुकाबले की। ये मुकाबला राजस्थान रॉयल्स वर्सेस गुजरात टाइटंस के बीच मुकाबला खेला जाएगा। तो सबसे पहले बात करूँ, ये मुकाबला साई मानसिंह स्टेडियम जयपुर इंडिया में ये मुकाबला खेला जाएगा। एंड यहाँ की पिच रिपोर्ट की बात करूँ तो आपको बता दूँ, बैटिंग पिच है टोटल यहाँ जो कि एक ही मैच हुआ है। जिन्होंने बॉलिंग पहले की है उन्होंने वो मुकाबला वॉन किया है। जो एवरेज स्कोर आया इस पिच का वो 164 रहा है। बात करूं वेदर रिपोर्ट की, यहाँ का जो टेम्परेचर रहने वाला अराउंड 29 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, एंड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा। नेक्स्ट बात करूं साई मानसिंह स्टेडियम के अभी तक के स्कोर रिकॉर्ड की, टोटल मैच जो कि एक ही हुआ है। बॉलिंग पहले करने वालों ने वो मुकाबला बॉन किया था, एंड जो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर रहा है 164, एंड सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 166 रहा है, एंड हाइएस्ट टोटल भी 166 रहा है, एंड हाइएस्ट चेज 164 रहा है। बात करूँ राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्लेइंग 11 की, यशस्वी जायसवाल, जॉस बटलर विकेट कीपरिंग करते दिखेंगे राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से। संजू सैमसन कप्तानी संभालते हैं राजस्थान रॉयल्स टीम की ओर से। रियान पराग, ध्रुव दुरैल, सिमरन एटमायर, रविचंद्रन अश्विन, नांद्रे बर्गर, आबेस खान, योजवेंद्र चहल एंड ट्रेंट बोल्ट। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो, राजस्थान रॉयल्स की तरफ से प्लेइंग 11 है। बात करता हूँ की प्लेयर्स जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से हैं। जॉस बटलर पिछले मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था इनका, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए ये बेस्ट चॉइस रहेंगे। 2016 में आईपीएल में डेब्यू किया था एंड अभी तक 96 मैचेस खेल चुके हैं। बेस्ट बैटर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। बात करूँ यशस्वी जायसवाल की, ये भी बेस्ट बल्लेबाज हैं, अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल सकता है इस मैच में इनका, तो अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। 2020 में आईपीएल में डेब्यू किया था एंड अभी तक 37 मैचेस ये खेल चुके हैं। बात करूँ रविचंद्रन अश्विन की, ये भी बेस्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। 2009 में आईपीएल में डेब्यू किया था एंड अभी तक 197 ये मैचेस खेल चुके हैं, अपनी टीम में इनको जरूर पिक करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ ट्रेंट बोल्ट की, ये भी बेस्ट बॉलर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। 2015 में आईपीएल में डेब्यू किया था एंड अभी तक 88 मैचेस ये खेल चुके हैं, अच्छे बॉलर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए। योजवेंद्र चहल पर्पल कैप है अभी, जो कि 2013 में आईपीएल में डेब्यू किया था, अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिल रहा है इस आईपीएल सीजन में इनका, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। 145 मैचेस ये खेल चुके हैं, अच्छे बॉलर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। बात करूँ इस मैच की तो आपको बता दूँ, इस मैच में 1 लाख का फ्री गिवअवे रखा गया है, तो अभी तक भी आपने पॉस 11 ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो आप जल्द से प्ले स्टोर पर जाइए, आप वो पॉस 11 सर्च करिए, आप वहाँ से पॉस 11 ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आप इस मैच की टीम क्रिएट करके आप अच्छा पैसा ना कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 10,000 रुपये का, सेकंड रैंक लाते हो आपको 5,000 रुपये का, एंड थर्ड रैंक लाते हो तो आपको 2,000 रुपये तक का फ्री गिवअवे दिया जाएगा। जल्द से जाइए पॉस 11 ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। बात करूँ गुजरात टाइटंस की तरफ से प्लेइंग 11 की, सुमन गिल कैप्टन है गुजरात टाइटंस के, साई सरसन, केन विलियमसन, विया शरत, विजय शंकर, दर्शन नलखेंड, राहुल तेवतिया, राशिद खान, उमेश यादव, स्पेंसर जॉनसन एंड मोहित शर्मा। आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हो, गुजरात टाइटंस की तरफ से प्लेइंग 11 है, एंड की प्लेयर्स जो कि गुजरात टाइटंस की तरफ से हैं, सुमन गिल अच्छे बल्लेबाज हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई कर सकते हो। 2018 में आईपीएल में इन्होंने डेब्यू किया था एंड अभी तक 91 मैचेस ये खेल चुके हैं, की प्लेयर हैं, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, मुख्य खिलाड़ी रह सकते हैं इस मैच में। एंड साई सुदर्शन ये भी बेस्ट ऑलराउंडर है, अपनी टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। 2022 में आईपीएल में डेब्यू किया था एंड अभी तक 13 मैचेस ये खेल चुके हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ राशिद खान की, ये भी बेस्ट बॉलर है, साथ ही में बल्लेबाजी भी अच्छी कर लेते हैं, तो अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट कर सकते हो। 2017 में आईपीएल में डेब्यू किया था एंड अभी तक 109 मैचेस ये खेल चुके हैं, अपनी टीम में इनको जरूर सेलेक्ट करिए। मैथ्यू वेड अगर इस मैच में ये नहीं खेलते हैं तो आप इनकी जगह केन विलियमसन को भी ट्राई कर सकते हो, वो भी आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। एंड बात करूँ ड्रीम इलेवन प्रेडिक्शन की, राजस्थान रॉयल्स गुड फॉर्म में है, इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बन सकते हैं। एंड टॉस प्रेडिक्शन की बात करूँ, आज का टॉस कौन जीत सकता है अकॉर्डिंग टू द पॉस 11 एक्सपर्ट टॉस प्रेडिक्शन, आज का टॉस है राजस्थान रॉयल्स टॉस जीत सकती है एंड पहले बॉलिंग करने का फैसला कर सकती है।
हेड टू हेड की बात करूँ तो आपको बता दूँ, राजस्थान रॉयल्स एक हेड टू हेड मुकाबले वोन किए हैं, वहीं गुजरात टाइटंस ने 4 हेड टू हेड मुकाबले वोन किए हैं। एंड कैप्टन वाइस कैप्टन जो कि आप यशस्वी जायसवाल को एज अ वाइस कैप्टन अपनी स्मॉल लीग टीम में जरूर सेलेक्ट कर सकते हो, जो कि 75 फैंस पॉइंट हासिल कर चुके हैं। राशिद खान 188 फैंस पॉइंट हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, इनको एज ए कैप्टन स्मॉल लीग टीम में आप इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। जॉस बटलर बेस्ट बल्लेबाज है, लास्ट मैच में अच्छा परफॉर्मेंस देखने के लिए मिला था अपनी टीम में, इनको एज ए कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई करिए। सुमन गिल बेस्ट बल्लेबाज है, 262 फैंस पॉइंट हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, इनको एज ए वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर पिक कर सकते हो। साइज दर्शन बेस्ट ऑलराउंडर है, 263 फैंस पॉइंट हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, इनको एज ए वाइस कैप्टन स्मॉल लीग टीम में एंड एज अ कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम पे इनको जरूर ट्राई करिए। संजू सैमसन बेस्ट बैटर है, 283 फैंस पॉइंट हासिल कर चुके हैं अपनी टीम में, इनको एज अ कैप्टन स्मॉल लीग टीम में एंड एज अ वाइस कैप्टन अपनी ग्रैंड लीग टीम में इनको जरूर ट्राई करिए, आपके लिए बेस्ट चॉइस रहेंगे। बात करूँ अपनी फैंटसी टीम की तो आप विकेट कीपर में जॉस बटलर एंड संजू सैमसन को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। बैट्समैन में यशस्वी जायसवाल, सुमन गिल, साइज दर्शन एंड केन विलियमसन को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। ऑलराउंडर में आप रियान पराग को ट्राई कर सकते हो। बॉलर में राशिद खान, युजवेंद्र चहल, ट्रेंट बोल्ट एंड मोहित शर्मा को अपनी टीम में सेलेक्ट कर सकते हो। कैप्टन और वाइस कैप्टन की बात करूँ, कैप्टन आप जॉस बटलर को बना सकते हो एंड वाइस कैप्टन आप सुमन गिल को अपनी टीम में वाइस कैप्टन बना सकते हो। जो भी मेरा फाइनल अपडेट होगा, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर दीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, प्लीज वीडियो पर एक लाइक एंड एक तरह से कमेंट कर दीजिए एंड आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाली न्यूज वीडियो प्रेडिक्शन वीडियो आपको सबसे पहले पहुंचे पॉसिबल 11 चैनल की तरफ से। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।